नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले पंच दिवसीय दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मेरी छत का काम तो पूरा हो गया है, लेकिन अब उसे दोबारा से हरा भरा बनाना है, जिसमें सबसे बड़ा टास्क है इन खाली किए हुए ग्रो बैग्स को वापस से भरना। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज मैं इन ग्रो बैग्स को बिना मिट्टी के ही भरूंगी। वैसे भी मैं 2-3 साल से मिट्टी का इस्तेमाल कम ही करती हूँ। उसके कई फायदे हैं जो मैं आपको ग्रो बैग्स भरते हुए बताती रहूँगी। दिवाली की सफाई में जितने भी गत्ते के डब्बे मिले उन्हें कचरा समझकर फेंके नहीं। गार्डनिंग में यह सब बड़े काम की चीज़ें हैं। इनके टुकड़े करके ग्रो बैग्स में डाल दीजिए। टूटी झाड़ू या फिर लकड़ी का कोई छोटा मोटा टूटा फूटा सामान गार्डनिंग में सब एडजस्ट हो जाता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले कभी किसी न किसी रूप में जीवित रह चुकी है वो सब डिकम्पोस्ट हो जाती है और बाद में यह बहुत अच्छी खाद में बदल जाता है। और हाँ, गत्तों में जितना भी प्लास्टिक चिपका होता है उसे ज़रूर निकाल दें, क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता। जितना भी ब्राउन वेस्ट होता है वो सब कार्बन का काम करता है और गीला वेस्ट नाइट्रोजन का काम करता है। अभी कल ही गुड़हल के पौधों की प्रूनिंग करी थी, वो सब भी इसमें डाल रही हूँ। जितने छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं उतना डाल दीजिए। प्लांटों में सपोर्ट के लिए जो छोटे मोटे डंडे लगाए थे वो भी अब ज़रूरत नहीं है, तो इन्हीं ग्रो बैग्स में डाल दीजिए। ये सब ग्रो बैग्स के अंदर नमी बनाए रखते हैं। इसे सरल भाषा में ऐसा भी मान सकते हैं कि जो हम गीला वेस्ट डालते हैं उसके मॉइस्चर को यह सूखा वेस्ट सोख लेता है। ये है मेरे अमेरिकन पालक का वेस्ट जो कंटेनरों को खाली करते समय निकला था, वो सब भी इसमें डाल रही हूँ। अमरूद के पेड़ की प्रूनिंग करी थी तो पूरा एक कट्टा उसका वेस्ट निकला था, वो भी इस ग्रो बैग्स में डाल रही हूँ। जो भी वेस्ट आप इस ग्रो बैग्स में डाल रहे हैं उन्हें साथ साथ फैलाकर दबाते भी जाएं, ताकि ग्रो बैग्स के बीच में खाली जगह ना बचे। एक महीने कट्टे में रखे 10-20% डीकम्पोज तो हो ही गए हैं ये पत्ते। अलग अलग तरह का गीला सूखा वेस्ट डालने से ग्रो बैग्स के अंदर भी बायोडाइवर्सिटी बनी रहती है और कई ग्रो बैग्स तो गार्डन वेस्ट से ही भर जाते हैं। और ये है मेरा 12x12 इंच का ग्रो बैग जिसमें मैंने सिर्फ किचन वेस्ट ही डाला था, जो अब पूरी तरह कंपोस्ट में बदल गया है, यानी गार्डनिंग का काला सोना। और ये देखिए, इसमें इतना बड़ा कीड़ा भी निकल आया है। कैसे मचल रहा है ये। ये सब भी गार्डन वेस्ट है जो मैं कट्टों में इकट्ठा करके रखती हूँ। कुछ इस तरह ही कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उसी थीम पर काम करती हूँ मैं। हर साल फरवरी में ग्रो बैग्स खाली करके दोबारा भरती हूँ, क्योंकि उस समय पार्क में सूखे पत्ते बहुत मिल जाते हैं और मैं 7-8 कट्टे दबा दबा कर भर लेती हूँ। और आपको पता है, जब मैं इन पत्तों को इकट्ठा करती हूँ तो कई बार लोग रुक कर पूछते भी हैं, मैडम कोई चीज़ गुम हो गई है क्या, मदद करें। मुझे हंसी भी आती है कि अब इनको क्या बताऊँ। शुरू में ना थोड़ी जेब भी होती थी, पर अब आदत बन गई है। और ये है मेरा लीफ कंपोस्ट जो इसी तरह के प्रोसेस से बना है, जिसमें फरवरी में इकट्ठा किए हुए पत्ते और किचन वेस्ट है जो मैं इसी तरह ग्रो बैग्स में डालती थी और ऊपर से पौधे लगा लेती थी। इस तरह से मेरे इतने बड़े बड़े ग्रो बैग्स भर जाया करते थे और मिट्टी की ज़रूरत भी अब नहीं पड़ती। इस तरह पत्तों से बनी खाद बिल्कुल पोरस होती है, जिसमें पेड़ पौधे की जड़ें आराम से अपना विकास करती हैं।
पिछली दीपावली में जो गन्ने लाए थे पूजा के लिए वो कुछ ऐसे ही रह गए थे, तो उन्हें भी मैंने ग्रो बैग्स में डाल दिया था। ये वही टुकड़े हैं जो अब बड़े आराम से टूट रहे हैं। इन्हें फिर से इन्हीं ग्रो बैग्स में डाल रही हूँ। थर्ड फ्लोर में मिट्टी भर कर लाना बहुत मुश्किल है। मिट्टी ले भी आए तो छत पर बहुत भार हो जाता है। इस तरह करने से छत और गमले दोनों ही हल्के रहते हैं। अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये वो लकड़ी का फट्टा है जो मैंने ग्रो बैग्स के नीचे सपोर्ट के लिए लगाया था। अब ये बेकार हो गया है तो इसको भी तोड़कर इन्हीं ग्रो बैग्स में डाल रही हूँ। जला भी सकती थी ताकि मुझे राख मिल सके, लेकिन वो मेरे पास अभी काफ़ी है और ग्रो बैग्स को भरने के लिए मेरे पास अब ज़्यादा खजाना नहीं बचा। वो तो अब फरवरी में ही आ पाएगा, इसलिए इसे तोड़कर डाल रही हूँ। फाइनली बिना मिट्टी के मेरे पास 24x24 के 3 ग्रो बैग्स टमाटर की पौध लगाने के लिए तैयार हैं, जो मैं दीपावली के बाद ही लगाऊंगी।